अपि रक्षार्थ स्वयं रघुराई। शिव से विनती करें अकुलाई, अंजनमाई करे शिव वंदन। पुत्र मोह मह खोटा क्रंदन। पवन तन की रक्षा लाए, भोलेनाथ कपि मह समाए। रुद्र हो जब रुद्रांश के संगी, के हानि पहुँचे बजरंगी। हनुमान माता, माता भोलेनाथ, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं सदैव आपकी कृतार्थ रहूंगी। अनुचित है ये, घोर पक्षपात है। महादेव, आपने हनुमान की रक्षा के लिए अपने ही वरदान को भंग कर डाला, पक्षपात किया है मेरे साथ। घोर कपट किया है महादेव, अन्याय है ये, अन्याय। मैंने कोई पक्षपात या कपट नहीं किया। कपटी तो तुम राक्षस हो, जो तपस्या कर हमसे मनोवांछित वरदान लेकर हमारे ही विरुद्ध उनका प्रयोग करते हो। कदाचित वरदान लेते समय तुम भूल गए थे कि हनुमान मुझसे पृथक नहीं, मैं रुद्र हूं, तो मेरा रुद्रांश है वो, मेरा अस्त्र, मेरे ही अंश का हित भला कैसे कर सकता है। ये वरदान मैंने कोई भिक्षा में प्राप्त नहीं की महादेव, घोर तप करके प्राप्त किया है मैंने ये वरदान, घोर तप, जिसका प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने का अधिकार है मुझे। यही तुम राक्षसों का दुर्भाग्य है, सदैव मुझसे धन और शक्ति मांगते हो तुम। वरदान प्राप्त करते समय तुमने शिव से शिव के त्रिशूल को मांगा, शिव को नहीं। और हनुमान को देखो, इसने सदैव अपने प्रभु को अपने हृदय में रखने की ही इच्छा रखी, और जिस भक्त के हृदय में उसके प्रभु का वास हो, उसका अहित तो कोई नहीं कर सकता। महादेव, आपके ये अर्थहीन वचन नहीं सुनना चाहता मैं। सत्य तो ये है कि आपने मुझे कभी वरदान दिया ही नहीं, नहीं दिया। पुत्र, पहले माँ की ममता
और फिर स्वयं भोलेनाथ का अपमान करने वाले इस दुष्ट असुर को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसका पाप हिरण्यकश्यपु से कम नहीं, जिसने स्वयं भगवान विष्णु को अपमानित करने का दुस्साहस किया था। कदाचित विद्युन माली ही वध करेगा इस मरकट का। माता को दुख देने के लिए ये मेरे मित्रों और सहयोगियों को भयभीत करने के लिए भोले बाबा को विवश करने के लिए ये मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान, मैं तुम्हें विजयी कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। इस माँ की ममता से उत्पन्न ये वचन सुनो, अंत मेरे पुत्र का नहीं तुम्हारा होगा। माता के अपमान को होते पुत्र कपी सम किस विध देखे, दुष्ट दनुज संहार के लाए, नरसिंह रूप में हनुमत आए। विधुन मालिका करी अंता, पवन तनय बलशाली अनंता, पुष्कल शत्रुघ्न रघुराई, जो देखी अचरज मह समाई। गाथा बाबरी हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में छिपे असुरो, तुम्हारा आवाहन करता है निकुम। तो ब्रह्मांड के कोने कोने से भांति भांति के भयंकर असुर उत्पन्न होकर हनुमान जी की ओर बढ़ रहे हैं। कौन है ये भयंकर असुर?
माता, ये कुंभकर्ण का पुत्र मायावी निकुंभ है। जाओ, उस अश्व का अंत कर दो। उसके अंत के साथ रामराज्य की स्थापना की संभावना का भी अंत कर दो। अश्व का अंत होगा उधर, हनुमान मिटेगा इधर। विकृत सोच स्थापित होगी सर्वत्र। हमें सावधानी से इस दुष्ट का सामना करना होगा पुष्कर। अरे, ये तो भयभीत कर देने वाली शिव ओंकार है। ऐसा भयानक रूप। आओ दुष्टों, आज जितने भी राक्षस बच गए थे उन सब की मृत्यु होगी। हाँ पुष्कल, शेष राक्षसों का संहार आज होगा। मुझे अपने पुत्र के बल पर पूर्ण विश्वास है। अधर्मियों का काल है मेरा हनुमान। तुम्हें ज्ञात भी नहीं हो पाएगा हनुमान, तुम्हारी हुंकार मृत्यु की चित्कार बन जाएगी। हनुमान, पीछे मुड़कर देखो पुत्र। निकुंभ, बहुत हो गया तुम्हारा उपद्रव, अब तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। इससे पूर्व कि ये वानर मेरे लिए संकट बन जाए, इसका ध्यान यहां से हटाना होगा। रक्षवीरों, आगे बढ़ो। हनुमान के वहां पहुंचने से पूर्व राम के अश्व का अंत कर दो। निको, सब संहारी सात हूँ लोक हुंकार गुंजाई, हत प्रभ देव मनुज हो आए। रुद्रांश हनुमान, तुम्हारे हुंकार ही पर्याप्त है पापियों की आत्मा को देह से विलग करने के लिए। ऐसी भयानक पुकार, इससे तो मैं भी शक्तिहीन हो रहा हूं।
हनुमान का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। हनुमान की देह में स्थित रुद्र के महासंगारी त्रिशूल के तेज ने ही रुद्रांश हनुमान को रौद्र रूप धारण करने पर विवश कर दिया है। दृष्टि के लिए विनाशकारी है। आश्चर्य है, सदा सौम्य रहने वाले हनुमान जी इतने क्रोधित कैसे? ऐसा क्रोध तो विनाशकारी होता है। अकस्मात इतना अधिक शीत? हनुमान के कोप से सृष्टि उथल पुथल हो रही है। ये क्या, सूर्य देव का आकार अकस्मात छोटा क्यों हो रहा है? सूर्यदेव छोटे नहीं हो रहे हैं। हनुमान की रौद्र हुंकार इतनी बलवती हो उठी है कि धरती को सूर्य से दूर धकेल रही है। धरती अपनी कक्षा से विचलित होकर पीछे की ओर जा रही है। कहीं बृहस्पति ग्रह से टकरा गई तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ देव, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, धरती के टुकड़े हो जाएंगे। हनुमान के इस महाक्रोध को रोकने के लिए किसी न किसी को हनुमान की सहायता के लिए आगे आना होगा। हनुमान का ये क्रोध तो सृष्टि का विनाश कर देगा। हनुमान शांत हो जाओ पुत्र, अपने क्रोध को नियंत्रित करो, अन्यथा संसार से जीवन ही विलुप्त हो जाएगा। जगत के संकट मोचन हो तुम हनुमान, जगत को संकट में मत डालो पुत्र। शांत हो जाइए हनुमान जी, अपने क्रोध को त्यागिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भक्त जितना सौम्य होता है उसका कोप उतना ही प्रलयकारी होता है। अब इस भक्त का कोप अपने भगवान के दर्शन करके ही शांत होगा। अब महादेव क्या करने जा रहे हैं? नियंत्रित हो गया है हनुमान का ये क्रोध, न जाने अब ये शांत होगा भी या नहीं। हनुमान के क्रोध को शांत करने में महादेव अवश्य ही सफल होंगे। बजरंगी आवेशित क्रोधित, देख जिसे सृष्टि स्तंभित। तब शिव वक्ष पे छब दिखलाई, सुंदर शांत सहज रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान, जाके तरस से हम मेरे प्रभु श्री राम। क्रोध के वेग प्रबल से उबरे, भूमा तपाई भय से मुक्ति। जय कपीश जय कपीश की भक्ति। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। राम मेरे प्रभु श्री राम। हनुमान के मुख से प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण होते ही इनके क्रोध से उत्पन्न होने वाला विध्वंस रुक गया। आज ये संसार भी प्रत्यक्ष रूप से जान जाएगा कि रुद्र और रुद्रांश दोनों ही के हृदय में श्री राम विराजते हैं। भोले बाबा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः।
आपने प्रभु के दर्शन करा के मेरे कोप को शांत किया। अन्यथा मेरे कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हनुमान, तुम्हारी ये प्रलयकारी हुंकार तो विधि का विधान थी पुत्र। विधि का विधान? ये आप क्या कह रहे हैं भोले बाबा? ये सत्य है पुत्र। तुम्हारे हुंकार मात्र से असुरी शक्तियां अपने अंत को प्राप्त हो गई। संसार से पाप एवं अधर्म का नाश हो गया है। हनुमान, तुम्हारे इस अद्भुत प्राकरण के कारण संसार तुम्हें हुंकार हनुमान के नाम से भी जानेगा, एवं जो भी तुम्हारी हुंकार स्तुति से आराधना करेगा वो समस्त आसुरी शक्तियों से मुक्त हो जाएगा। उसके बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं भोले बाबा, किंतु आप एवं समस्त देवी देवता मुझे इतना ही आशीर्वाद दें कि मेरे प्रभु श्री राम का अश्वमेध यज्ञ सफलता के साथ पूर्ण हो जाए। तथास्तु। हनुमान, अब तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना है। आश्चर्य है, प्रभु मेरे पुत्र से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भोले बाबा तो समस्त जगत के स्वामी हैं, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, फिर मुझसे क्या चाहिए इन्हें? क्या मांग रहे हैं भोले बाबा मुझसे? अपना त्रिशूल मांग रहे हैं, जो तुम्हारे शरीर में समा गया था। ओह हाँ, मुझे क्षमा करें भोले बाबा, मैं तो आपका आशय समझ ही नहीं पाया। त्रिशूल तो आपका है, आपके हाथ में ही इसकी शोभा है प्रभु। शिव शिवांश से याचना करते, दे दो कभी त्रिशूल जो निगले। हनुमत तब त्रिशूल लौटाई, शिव उमा पुलकित हर साई। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जो महादेव सबके दाता है, आज वो भी हनुमान के याचक बन गए। अनुपम है तुम्हारी भक्ति आंजनेय हनुमान। माता, माँ आपको पीड़ा हुई, यहां तक आने का कष्ट उठाना पड़ा, आपको ये सब देखना पड़ा, उसके लिए आपका ये पुत्र क्षमा प्रार्थी है। पुत्र, माँ का सबसे बड़ा सुख होता है उसकी संतान का सानिध्य, और उसे प्राप्त करने के लिए वो सभी कष्ट सहन कर लेती है। किंतु माता, अभी तो इस
अश्वमेध यज्ञ की यात्रा में और भी न जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ सकता है मुझे। किंतु अब आप तनिक भी चिंता मत कीजिएगा माता। आपने स्वयं देख लिया है ना माता कि किस प्रकार प्रभु श्री राम एवं आपके आशीर्वाद से इतनी बड़ी अनहोनी टल गई। माँ का हृदय कोमल होता है पुत्र। पुत्र चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, बलशाली हो, किंतु अपने लाल को संकट में देख माँ का हृदय चिंतित हो ही जाता है पुत्र। भक्ति की पराकाष्ठा के दर्शन हुए हैं आज मुझे तुम्हारे सानिध्य में हनुमान। कदाचित मुझे भक्ति के गहन मर्म को समझना था, इसीलिए मैं यहां तक खींची चली आई। ऐसा नहीं है माँ, आपकी उपस्थिति प्रमाण है इस तथ्य का कि माँ अपनी संतान के लिए किसी भी संकट का सामना कर सकती है। सत्य तो ये है कि माता आपकी उपस्थिति ने मुझे शक्ति प्रदान की है जिससे कि मैं संकटों पर विजय प्राप्त कर सका। देखिएगा माता, आपके आशीर्वाद से मैं पुष्कर एवं शत्रुघ्न भैया राम काज में अवश्य सफल होंगे। हनुमान, तुम्हारा सेवा भाव, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारी भक्ति यूं ही बनी रहे। अब मुझे लौटना होगा हनुमान। तुम्हारे पिताश्री को सब बताऊंगी मैं, वो भी अपने पुत्र के पराक्रम पर गर्व करेंगे। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम गरुड़देव। गरुड़देव, मुझे आगे की यात्रा पर जाना होगा, इसलिए मां को आप वापस ले जाइए। धन्यवाद गरुड़ जी। आपके श्रीमुख पर चिंता की रेखाएं। आज परिस्थितियों ने हनुमान को मेरे त्रिशूल का सामना करने पर विवश कर दिया है, तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किंतु भविष्य में जो गठित होने वाला है उस स्थिति में क्या होगा। भविष्य में, जब भविष्य में हनुमान और मैं युद्ध के लिए आमने सामने होंगे। आपका और हनुमान का युद्ध, ये कैसे संभव है? होनी है ये देवी। मैं तो चाहता हूं इस होनी को किसी भी प्रकार से टाल दिया जाए, परंतु इस समय तो हनुमान को अपनी सेना एवं अश्व को आने वाली
अदृश्य विपदा से बचाना होगा। आगे हमारे मार्ग में अहिछत्र नाम का राज्य आने वाला है। वहां के राजा सुमद महान शिव भक्त हैं। वे कदापि हमारा विरोध नहीं करेंगे। विरोध करें या समर्थन, अधीनता तो उन्हें स्वीकार करनी ही होगी। ताजश्री महाराज राम का अश्व अपनी दिग्विजय यात्रा पूर्ण करके ही लौटेगा, है ना हनुमान जी? कुमार, राम राज्य का विस्तार अर्थात धर्म के राज्य की स्थापना के लिए ये दिग्विजय यात्रा और प्रभु की कृपा से इस धर्म कार्य में आने वाली कोई भी बाधा हमें नहीं रोक पाएगी। वानर, अब तक तुम्हारे ही कारण ये सब विजय प्राप्त करते रहे, किंतु इस बार तुम्हारा पराक्रम धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि इस बार चाल ही ऐसी चली है मैंने। आगे काल का द्वार प्रतीक्षा कर रहा है तुम सबकी। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। किसी भी बड़े धर्म कार्य में आसुरी शक्ति बाधक अवश्य बनती है देवेश्वर, यहाँ तक कि अनेक बार देवता भी मात्र मूक दर्शक बनकर देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते। देवी, विधि के विधान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि होनी होकर ही रहती है। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है ये, 9 पर्वतों के मध्य नगर। काकाश्री, स्वप्न लोक जैसा प्रतीत हो रहा है ये तो। किंतु मुझे कुछ विचित्रता का आभास हो रहा है। शत्रुघ्न भैया, इन पर्वतों की शांति मुझे संदेहास्पद प्रतीत हो रही है, इसलिए नगर की ओर बढ़ते समय हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा। ये विचित्र ध्वनि कैसी है? सावधान हो जाओ सब। जी। ये क्या हुआ? हम तो वहीं आ गए जहां पर हम थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई हमें अहिछत्र राज्य की सीमा में प्रवेश करने से रोक रहा है। किंतु हमें राज्य की सीमा में प्रवेश तो करना ही होगा। चलिए पुनः आगे बढ़िए सब। हमें शीघ्र ही राजा से मिलना चाहिए। इन सबको ज्ञात ही नहीं कि ये कितना भी प्रयास कर ले, किसी भी प्रकार से प्रयास कर ले, किंतु ये राज्य की सीमा में प्रवेश करने से हर बार रोक दिए जाएंगे। रुक जाइए, आप मुझे सबसे आगे चलने दीजिए। आगे का मार्ग मुझे सरल प्रतीत नहीं हो रहा। किसी भी संकट से सभी की रक्षा के लिए मुझे आगे रहना होगा। तो धरती का यह द्विरंगी चिन्ह ही इस अहिछत्र राज्य की सीमा दर्शा रहा है। देखता हूं ये किस प्रकार का अवरोध है। सावधान, लौट जाओ, लौट जाओ तुम सब, अन्यथा तुम सबके जीवन का अंत हो जाएगा। हाँ हाँ, अंत हो जाएगा।
लौट जाओ। किसका स्वर है ये? कौन है जो हमें चुनौती दे रहा है? तुम सबकी भलाई इसी में है कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अभी देखता हूं कौन है वो जो हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। आसपास तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तुम सब भी आसपास नहीं दिखाई दोगे यदि तुम सबने हमारा कहना नहीं माना। तो उचित यही होगा कि लौट जाओ यहाँ से। हम यहाँ लौटने के लिए नहीं अपितु धर्म कार्य हेतु यहाँ पर आए हैं। उसे पूर्ण किए बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। ये साधारण पर्वत नहीं है, ये नगर की सुरक्षा के लिए ही यहां पर स्थित हैं। इनके रहते कोई भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ना तो हम वापस लौट सकते हैं और ना ही आगे पग बढ़ा पा रहे हैं। बात तो पांव आगे बढ़ाने की है ना। मैं तो बिना डग उठाए भी आगे बढ़ सकता हूँ। पुष्कल, पुष्कल, पुष्कल को अपने उतावलेपन में ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। आश्चर्य है, इसे तो कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ तो यह है कि धरती पर पांव रखे बिना आगे बढ़ा जा सकता है। पुष्कल, पुष्कल मेरे पुत्र, पुष्कल कहीं आहत ना हुआ। पुत्र पुष्कल, तुम कुशल तो हो? हाँ काकाश्री, मैं कुशल हूँ। पुष्कल, बिना सोच विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पुत्र, तुम संकट में पड़ सकते थे। क्षमा हनुमान जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। किंतु इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी तो नहीं है। जय श्री राम। हनुमान जी रुक क्यों गए? ए अहिच्छत्र राज्य को सुरक्षा प्रदान करने वाले 9 शक्तिशाली पर्वतों, कृपया हमारी सेना को नगर में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। बस, हम यहाँ किसी की विनती सुनने के लिए नहीं हैं। अब यदि शीघ्र ही तुम सब यहाँ से नहीं गए तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। प्रभु का कार्य संपन्न किए बिना यहां से नहीं लौटूंगा मैं, और ना ही किसी को राम काज में बाधा बनने दूंगा। जय श्री राम।
और जो बाधा बनेगा उसे जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं। मेरे प्रभु के कार्य में कोई भी बाधक नहीं बन सकता। ये क्या कर रहे हैं हनुमान जी? तो इसने मुझसे भी दुगना आकार बढ़ा लिया है, किंतु मैं इसे उखाड़ कर ही रहूंगा। संभल गया हनुमान जी। हनुमान जी, मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगे। मार्ग से इस पर्वत को हटाना ही होगा। किंतु अन्य पर्वत बाधक बन सकते हैं, वे हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये पर्वत तो आक्रमण करने के लिए तत्पर हो रहा है। अपने अस्त्र संभालो पुष्कल। अब तुम में से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं लौट पाएगा। अनर्थ हो गया। हनुमान जी ही ऐसा कर सकते थे। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। ये विशाल शिला भी टूटकर बिखर रही है। इस प्रकार तो ये अश्व पर आकर गिरेगी। ये उचित नहीं हो रहा है देवेश्वर। पहले आपके त्रिशूल ने राम काज में बाधा डाली, अब मेरी शक्ति बाधा डाल रही है। आपकी विवशता मैं समझ सकता हूँ देवी। जैसे मैं वरदान के विधान से बंधा हुआ था, ऐसे ही आप भी अपने दिए हुए वरदान को निभाने की व्यवस्था से बंधी हुई हैं। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना पुत्र हनुमान। ये कौन सी महाशक्ति है जो मेरी शक्ति को भी क्षीण कर रही है? ये कोई भी शक्ति हो, किंतु मैं इसे प्रभु के कार्य में बाधक नहीं बनने दूंगा। ना ही सेना को पीछे हटाने दूंगा। ये पर्वत हमें नष्ट करे, उसके पूर्व ही मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। जय श्री राम। बहुत हो गया तुम्हारा उपद्रव, अब तुम्हारा अंत करना ही होगा। जय श्री राम। आश्चर्य है, प्रभु श्री राम का नाम लेकर भी किए गए मेरे इस महाप्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पर्वत पर।
कोई भी आसुरी शक्ति इस प्रहार को सहन नहीं कर सकती। अवश्य ही ये कोई दैवीय शक्ति है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति हैं। अतः मैं क्षमा प्रार्थना के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम धर्म कार्य हेतु यहां पर आए हैं, इसलिए कृपया शांत होकर मेरी बात सुनिए। हनुमान बहुत ही बुद्धिमान है, वे अपने विवेक से कोई ना कोई हल तो अवश्य ही निकाल लेंगे। मैं जानता हूं इतनी सहजता से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हनुमान, हे दिव्य शक्ति, आप इस नगर की सुरक्षा अवश्य कर रहे हैं, किंतु धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ रहे इस अश्व को रोकना या अधीनता स्वीकार करना यहाँ के राजा का कार्य है, आपका नहीं, क्योंकि आप यहाँ के राजा नहीं हैं। अतः आप यहाँ के राजा को आने दीजिए, उन्हें ही आप निश्चित करने दीजिए कि अश्व को रोकना है या नहीं। प्रणाम देवी। यहाँ के राजा से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम यहाँ मात्र राज्य की सुरक्षा के लिए स्थित हैं। वैसे भी राजा ने अब तक तुम्हारे अश्व के स्वागत के लिए किसी को नहीं भेजा है। इसका अर्थ है कि उन्हें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है। किंतु ये भी तो हो सकता है कि यहाँ के राजा को हमारे आने की सूचना ही नहीं मिल पाई हो। इन सब बातों से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा कार्य तो मात्र राज्य की रक्षा करना है। किंतु राज्य की रक्षा करने का अर्थ ये नहीं कि आप धर्म के कार्य में बाधा डालें। किंतु अन्य राज्य की सेना को राज्य की सीमा में प्रवेश करने देना हमारे रक्षक धर्म के विरुद्ध है। उचित है, आप सेना को मत जाने दीजिए, किंतु एक दूत को प्रवेश करने की अनुमति देना तो धर्म संगत है ना? कृपया मुझे प्रभु श्री राम के दूत के रूप में भीतर जाने की अनुमति दें, जिससे कि मैं यहाँ के राजा को इसकी सूचना दे सकूं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। काज न पूरन करे शक्ति, ता महावीर लगाए युक्ति। वाक्य चतुरता कपि दिखलाई, गिरि से मार्ग नगर का पाई। आपके इस अनुकंपा के लिए आपको धन्यवाद। जा तो रहे हो, किंतु स्मरण रहे, राजा से जो भी संवाद हुआ वो हमें नहीं बताया, तो यहाँ से ना तो तुम बाहर जा पाओगे, ना ही तुम्हारी ये सेना यहाँ से जीवित लौट पाएगी। ऐसा ही होगा। जय श्री राम। मंदबुद्धि वानर, तुम क्या सोचते हो, अनुमति मिल गई तो समस्या का समाधान हो गया? क्रीड़ा तो अब आरंभ हुई है वानर। ये सब क्या है? आश्चर्य प्रतीत हो रहा है, सभी निद्रा मग्न हैं यहाँ। आश्चर्य है, यहां भी कोई जागृत नहीं है।
ये कैसे विचित्र माया है? ये सब नहीं सोए हैं। सोया हुआ तो तुम्हारे और तुम्हारे प्रभु का भाग्य है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई जागृत अवस्था में मिलेगा, ना ही तुम्हारे जागने से कोई जागेगा, इसलिए यहाँ कोई तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। श्रीमान उठिए, उठिए, अपने नेत्र खोलिए, उठिए श्रीमान। अवश्य ही किसी माया के अधीन है ये, अन्यथा इनकी निद्रा अवश्य टूटती। नेत्र खोलिए अपने। विचित्र है ये सब। मैं शीघ्र जाकर राजा को सूचना देता हूं यहां की। ये ध्वनि, कोई तो है यहां जो जागृत अवस्था में है। ये क्या, अग्नि तो भट्टी से निकलकर मंडी में फैल रही है। उधर ये दंपति भी संकट में हैं। इससे पूर्व कि इस निद्रा के कारण कोई और घटना हो जाए, मुझे शीघ्र राजा तक पहुंचना होगा। वानर, कुछ नहीं कर पाओगे। यहां की स्थिति भी वैसी ही है, किंतु राजा कहां है? उस ओर प्रकाश है। सब के सब निद्रा में मग्न हैं, माता की पूजा का किसी को ध्यान नहीं। विचित्र स्थिति है। मैं ही ये दीप प्रज्वलित कर देता हूं। यहां राजा भी निद्रा मग्न है, इन्हें जगाना होगा। राजन उठिए, उठिए राजन, राजन उठिए, मैं राम सेवक हनुमान हूं। माता, माता, ये तो मेरी समझ के परे है कि यहां राजा हो या फिर प्रजा, सभी निद्रा मग्न क्यों हैं? यदि राजा निद्रा से नहीं जागे तो मेरे प्रभु श्री राम का अश्वमेध यज्ञ रुक जाएगा और उसके साथ सर्वत्र राम राज्य और धर्म की स्थापना का संकल्प अधूरा रह जाएगा। माता, माता, मेरे प्रत्येक संकट में आपने अपने इस पुत्र की सदैव सहायता की है। आज पुनः मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता, मेरी सहायता कीजिए। माता, मेरी सहायता कीजिए। मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो गई है या मुझसे इतने बड़े संकट में भी आप
सहायता नहीं कर रही है मेरी माता? माता मेरी गुहार सुनिए, माता मात्र एक संकेत दे दीजिए मुझे, माता मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए माता। हनुमान को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे इन पिपीलिका को माता की प्रतिमा तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। रुक जाओ, उसका स्पर्श भी मत करना, कोई हानि मत पहुंचाना उसे। ये कुपित स्वर क्या माता का था? किंतु माता का ऐसा प्रचंड कोप क्यों जागृत हुआ? माता, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। माता प्रणाम। माता, आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। माँ, एक बार पुनः मुझे माँ कहकर पुकारो पुत्र हनुमान। माँ, भक्त पूर्ण आस्था से मुझे माँ कहकर पुकारे, मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। भक्त की आस्था ही तो मुझे माँ बनाती है, अन्यथा मात्र एक मूरत ही तो हूँ मैं। माता, ममता से परिपूर्ण आपके हृदय से भक्तों की वेदना आपसे कहाँ से ही जाती है भला? किंतु माता, मैं उस भूकंपन का कारण समझने में असमर्थ हूँ जो माता तब उत्पन्न हुआ जब मैंने उस पिपलिका को माता आपके समीप जाने से रोकने का प्रयास किया। मैं उस भूकंपन का कारण समझने में असमर्थ हूँ जो माता तब उत्पन्न हुआ जब मैंने उस पिपलिका को माता आपके समीप जाने से रोकने का प्रयास किया। पुत्र हनुमान, वो पिपलिका भी तुम्हारे समान ही मेरी संतान है, भूलते ही सही, किंतु मेरे चरण स्पर्श कर वो मेरी कृपा पात्र बन गई है। इस जन्म से दसवें जन्म में मैं उसे मोक्ष प्रदान करूं। माता, आप अत्यंत कृपालु हैं। कोई भूल से भी आपकी शरण में आए तो आपकी कृपा प्रसाद प्राप्त करता है। माता, कृपा कर मेरे भी संकट का निवारण कीजिए। इस राज्य में राजा सहित सभी निद्रा मग्न हैं, जिससे मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। पुत्र हनुमान, यहाँ के राजा सुमत तो मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हैं। अनेक वर्ष पूर्व अपना राजपाट खोने के पश्चात उन्होंने मेरी घोर तपस्या की। उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वो तब भी मेरी भक्ति में लीन रही। तब प्रसन्न होकर मैंने उन्हें दर्शन किए। पुत्र सुमत, तुम्हारा तप सफल हुआ। प्रणाम माता। तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं। मेरा वरदान है कि तुम समस्त शत्रुओं को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त करोगे, और तब मेरी नौ दुर्गा रूपी शक्तियाँ पर्वत रूप में सदैव तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगी। तुम्हारी अनुमति के बिना यहाँ कोई बाहरी सेना प्रवेश नहीं करेगी। हाँ माता, उन पर्वतों के दैविक होने का आभास तो मुझे भी हुआ था। अब तो मुझे ज्ञात भी हो गया है कि वो आप ही की शक्तियां हैं। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने उनसे। क्षमा याचना मत करो हनुमान, जगत कल्याण हेतु अपने धर्म और कर्म के लिए जो अनिवार्य था वही तो तुमने किया। उसी प्रकार जैसे यहाँ के राजा सुमत ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। माता, मुझे और एक वरदान देने की कृपा करें कि मेरे पुण्य कर्मों का फल मेरी प्रजा को भी प्राप्त हो, और जीवन के अंत में जब मुझे राजपाट से मुक्ति मिले तो मैं मोक्ष प्राप्त करूं। केवल पुण्य में किसी और की भागीदारी नहीं हो सकती। तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे पुण्य और पाप
दोनों में तुम्हारी भागीदार बनेगी। ये मेरा वरदान है। तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी, किंतु उसके लिए भविष्य में जब प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व यहाँ पहुंचे, तब तुम उनकी आधीनता स्वीकार कर अश्व के दिग्विजय यात्रा में भाग लेना, जिसके संपन्न होने पर तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के समान है प्रभु श्री राम के दर्शन, जिसके फल स्वरूप मृत्यु उपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्मरण रखना, जब तुम स्वयं जाकर अनुमति दोगे, तभी मेरी 9 पर्वत रूपी शक्तियां प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व और उनकी सेना को तुम्हारे राज्य में प्रवेश करने देगी। मैं आज से ही उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में अपने नेत्र बिछाए रखूंगा। माता, यदि राजा सुमद इतनी आतुरता से अश्व की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो उनके प्रजा के साथ सुप्तावस्था में क्यों हैं? मैं उन्हें उनकी निद्रा से कैसे मुक्त करूं? पुत्र हनुमान, तुमने मुझसे एक संकेत मांगा था, वो मैंने दे दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है अब तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालोगे। संकट मोचन हनुमान, इस संकट पर भी विजय प्राप्त करोगे तुम। माता तो अंतर ध्यान हो गई। किस ओर संकेत किया है माता ने, कैसे ज्ञात करूं? प्रत्येक जीव को सत्कर्म करना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो।